all the rectangles described in a given big circle, the square has the maximum area. सरकारी किताब है, पूरा वाक्य जो है ना कंबाइन सेंटेंस में लिखा है, पैसा बचाया है, इसे क्वेश्चन समझने में कष्ट होगा, पूरा कंबाइन सेंटेंस और रहा है कि सर्कल के अंदर जो आए सर्कल को स्पर्श कर रहा है उसका एरिया महत्तम कम होगा जब वो वर्ग हो, यानी कि सर्कल के अंदर है क्या आए थे और वो जो है क्या कर रहा है सर्कल को स्पर्श कर रहा है, इंस्क्राइब कर हुआ अंदर से स्पर्श कर रहा है, पर उस आयत के एरिया महत्व तभी होगा जब वो आयत नहीं क्या होगा, यानी कि आपको एरिया महत्व दिखाना है एरिया का और दूसरा अंत में सिद्ध कर देना कि वो आयत नहीं क्या है, तो एरिया महत्व जब आप दिखाइएगा तो अपने आप अर्थ में आएगा कि जो है वो वर्ग है, तो एक सर्कल हम लोग बना रहे हैं, यह हो गया हमारा सर्कल और इसके इसी के अंदर क्या है आयत है, तो अब आयत का एरिया आपको निकालना है, तो आयत के एरिया निकालने के लिए आयत का लंबाई गुना लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा, तो लंबाई चौड़ाई अब निकाले कैसे, तो बताइए जब काम आयत पर ही करना है रेक्टेंगल को करना है सर्कल यहाँ क्या करना है हेल्प है, ठीक है वो क्या है, जो फिगर कंटेन कर लेगा अपने में रख लेगा वो फिगर जो है अंदर जो फिगर है उसके वैल्यू को निकालने में मदद करे, ठीक है, तो सर्कल यहाँ क्या करेगा मदद करे, क्या कह रहे ठीक सर्कल अर्थ है, यह सर्कल वेरिएबल सर्कल नहीं है घट पर नहीं रहा है जैसा है वैसा ही है, तो जब सर्कल ठीक है तो उसका रेडियस भी ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ सेंटर का साथ देते हैं यह हो जाएगा डायमीटर होगा, तो हमको चाहिए इस आयत का कौन सी एरिया, तो एरिया बराबर क्या होगा एरिया को सूचित कर देते हैं ऐसे ही एरिया ऑफ रिक्ट